जनरली ट्रॉपिकल ग्रास आर सीन इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टीनेंट्स लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन ट्रॉपिकल ग्रास अलग अलग कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं दिस रीजन इज स्प्रेड विद इन टेन डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड तो ट्रॉपिकल ग्रास जो है वो टेन डिग्री नॉर्थ से लेकर ट्वेंटी डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं इस्पेली In uh, continents like South America, Africa and Australia, some special type of physical conditions prevails in such grassland, which is transitional between equatorial region and tropical desert region. तो यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के grassland पाए जाते हैं, जो कि equatorial region से लेके tropical desert region तक थोड़ा अलग प्रकार का grassland देखने को मिलता है। यानी कि जैसे हम लोग uh, equatorial region में पाते हैं, वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा कुछ अलग होता है। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन इज करेक्टराइज बाई शॉर्ट वार्म सामर सीजन एंड लॉन्ग ड्राई विंटर सीजन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन में शॉर्ट सामर होता है शॉर्ट प्लस वार्म सामर होता है जबकि विंटर सीजन थोड़ा लंबा होगा जो कि ड्राई रहेगा जिसमें बारिश नहीं होता है या फिर बहुत कम ही होगा द diurnal एंड सीजनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन दिस रीजन इज क्वाइट हाई यहाँ का जो टेम्परेचर चेंजेस हो गया यानी कि जब क्लाइमेट चेंज होने के कारण जब टेम्परेचर चेंज होगा उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मॉडरेट ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर यहाँ का जो बारिश है वो ट्वेंटी फाइव से लेकर हंड्रेड सेंटीमीटर तक होता है इट इज ड्यू टू सच ए क्लाइमेटिक करेक्टर द ग्रास वेराइटी प्लांट्स विथ हाइट ऑफ अप टू थ्री मीटर्स हैव क्रिएटेड वास्ट ग्रास लैंड इन दिस रीजन और इसी तरह का क्लाइमेटिक डिफरेंस होने के चलते यहाँ पे जो ग्रास का हाइट होता है वो लगभग तीन मीटर तक पहुंच जाता है और जिसके चलते वास्ट एरिया ग्रास ने कवर किया हुआ है सांस ग्रास लैंड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन इज नाउन है सवाना और ट्रॉपिकल ग्रास लैंड या फिर ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रास लैंड पाए जाते हैं उसे सवाना कहा जाता है द ग्रास लैंड ऑफ ब्राजील हाईलैंड ऑफ साउथ अमेरिका एंड द ओरिनिको रिवर basins लोकेटेड इन Venezuela, northern एंड southern पार्ट ऑफ जैरा basin इन अफ्रीका highlands ऑफ द ईस्टर्न अफ्रीका एंड सम parts ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अंडर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगहों का नाम मैंशन किया गया है जहाँ पे सबना ग्रास पाए जाते हैं जैसे कि ब्राजील हुआ उसके बाद साउथ अमरीका वेनेजुला ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे सबाना ग्रास पाए जाते हैं इट मे बी मैं द ग्रास ऑफ वेनेजुएला एंड ब्राजील आर लोकली नोन एज लानोस एंड कैंपोस रेस्पेक्टिवली हालांकि सबाना ग्रास लैंड ब्राजील में भी पाए जाते हैं वेनेजुएला में पाए जाते हैं लेकिन वेनेजुएला और ब्राजील में उसका जो लोकल नेम है कुछ अलग ही है जैसे कि वेनेजुएला में इसे लानोस कहा जाता है जबकि ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है द ट्रॉपिकल ग्रास रीजन इज वेरी सुइटेबल फॉर लाइव स्टॉक रेयरिंग ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में ग्रास का मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे लाइव स्टॉक रेयरिंग कॉमनली पाया जाता है यानी कि लोग ज्यादातर क्या करते हैं एनिमल रेयरिंग करते हैं क्योंकि ग्रास अवेलेबल है वहां पे इन मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन रेयरिंग ऑफ कैटल हॉर्स बाफेलो सीप एंड गोट इज डन ऑन कॉमर्शियल बेसिस तो ज्यादातर एरिया में कैटल रेयरिंग हॉर्स रेयरिंग बाफिलो रेयरिंग सीप रेयरिंग एंड गोट रेनिंग वो भी कॉमर्शियल बेसिस में यानी कि सिर्फ घर के इस्तेमालों के लिए नहीं बल्कि मार्केट में सप्लाई करने के लिए भी वो लोग रखते हैं सास ग्रास लैंड आर हैबिटेट्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर लायन एलिफेंट राइनो, जेब्रा जीराफ डियर एट्सेट्रा और ग्रास लैंड ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं जिनमें हैं टाइगर लायन एलिफेंट रैनो डियर एट्सेट्रा देट इज वाई मेनी प्रीमेटिव पीपल ऑफ़ दिस रीजन आर स्टिल मेकिंग दे आर लिविंग थ्रू एनिमल रेयरिंग एंड हंटिंग और एनिमल वहाँ पर ज्यादा होने के चलते आज भी बहुत सारे एरिया में लोग मौजूद है जो कि हंटिंग और एनिमल रेयरिंग से ही अपना गुजारा कर रहे हैं ऑफकोर्स कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स लाइक जवार कॉटन ग्राउंड नाट एटसेट्रा इज ऑल्सो डन इन स्मॉल स्केल इन समार्ट ऑफ द रिजर्व एनिमल रेयरिंग के अलावा भी वहाँ के लोग जवार का खेती कॉटन ग्राउंड नट का खेती ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन स्मॉल स्केल में करते हैं द ह्यूमन हैबिटेशन इज वेरी थिन इन दिस रीजन यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बहुत कम पाए जाते हैं यानी कि लोग बहुत कम है वहाँ पे ड्यू टू बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड लैक ऑफ नेसेसरी प्रोडक्शन सिस्टम मोस्ट पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स आर सोशियो इकोनॉमिकली इकोनॉमिकलीगिंग बिहाइंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन जो है वो बहुत ही बैकवर्ड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और वहाँ पे नेसेसरी प्रोडक्शन सिस्टम क्या है जो ज़रूरतमंद प्रोडक्शन सिस्टम में वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है और जिसके चलते आज भी इकोनॉमिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो पिछड़ा हुआ है इतना डेवलप नहीं हो पाया है